Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today in this video, I will explain what is homogeneous catalyst. I am Dr. Tahir Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. First, what is the introduction of catalyst? So basically, catalyst are the substance that we used for a chemical reaction which speed up our reaction. Basically, those reaction which proceed without catalyst and it requires too much time. So, to ease the reaction, we use catalyst. Homogeneous catalyst basically concerned with catalysts that are in the same phase as the chemical reaction. तो कैटलिस्ट क्या होंगे? ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हम ऐड करें जिससे हमारे रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाए. कैसे? कि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, बेसिकली कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके अल्टरनेट पाथ दे देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कैटलिस्ट. अब हमारा टॉपिक आना है होमोजीनियस. तो होमोजीनियस मतलब है ऐसा कैटलिस्ट जिसमें जो रिएक्टेंट हैं और जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे उन सब की क्या होगी फेज जो है वो होमोजीनियस. अगर नेचर है तो फिर उनको हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट. आगे डेफिनेशन में भी हम एक्सप्लेन करेंगे. दे आर नॉर्मली इन द लिक्विड फेज आर इंक्लूड ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर बेसिकली होमोजीनियस इन नेचर. एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले फ्री एनर्जी डायग्राम ड्रा की है. ब्लैक कलर में अगर आप देखें कि ये है हमारे पास एक्स वाई दो रिएक्टेंट, रिएक्ट किया तो ये है उसकी पाथवे जिसने जी ए क्या किया, प्रोडक्ट किया. अब यहां से लेकर यहां तक देखें तो लिखा ई ए. ई ए मीन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. और आगे लिखिए नो कैटलिस्ट, कि जब हम कोई भी कैटलिस्ट नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट को ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी होगी तो फिर क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी. डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी. अब हमने क्या किया, बाहर से एक कैटलिस्ट ऐड किया. अब कैटलिस्ट जब हम ऐड किया तो ये देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले इतनी रिक्वायर्ड थी जो कि ब्लैक कलर में शो है, अब रेड में क्या हो गई, चेंज हो गई. तो ये उसने पाथ को क्या कर दिया, अल्टरनेट कर दिया. पहले सिंगल स्टेप में भी वो कर सकता है, मोर देन वन स्टेप में भी, लेकिन बेसिकली क्या है, अल्टरनेट द पाथ किया और हमारी क्या हुई, एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई. लेकिन अगर आप देखें डेल्टा जी, उसमें कोई चेंज नहीं है. विदाउट कैटलिस्ट अगर करें या विद कैटलिस्ट, तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी, उसमें कोई चेंज नहीं आती. अब कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, चेंज द रिएक्शन बाय लोअरिंग द इट्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो डेफिनेटली फिर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. कैसे बढ़ेगा, ये एक डायग्राम हमने शो की हुई है. ये हमारा है रिएक्टेंट, ये है उसके मॉलिक्यूल जिसने ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है, क्रॉस करके फिर प्रोडक्ट पे जाना है. ये देखें ये है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, कि ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उस बैरियर को क्रॉस करे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अब हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो देखें यही चीज उसने क्या कर दी, नीचे कर दी. अब इस मॉलिक्यूल को, इस बैरियर को क्रॉस करना क्या हो गया, आसान. तो हमारे पास जो डेल्टा ई है, ये जो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, वो अब क्या हो गई, कम हो गई विद कैटलिस्ट. तो ये उसने क्या कर दिया, अल्टर कर दिया लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तो बेसिकली फिर से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मीन कम टाइम में आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन
हो जाएगी, तो ये फंक्शन होगा किसका, कैटलिस्ट का। नेक्स्ट है कि फर्स्ट टाइम कैटलिस्ट का जो वर्ड था वो ब्रजीलियन साइंटिस्ट था जिसने 1836 में ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, कैटालिसिस। पहले हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं, उसने लफ्ज ऐड कर दिया कैटालिसिस। दो मेजर बेसिक क्लासेस हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से, मीन पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन कैटलिस्ट डजंट मीन के सिर्फ रिएक्शन को हमें तेज ही करना। बाद का बहुत ज्यादा जो तेज रिएक्शन है हम चाह रहे हैं कि उसको स्लो करके मैकेनिज्म वगैरह स्टडी करें, तो ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। जैसे ये देखें नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट ने अब क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करना। इसने जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी थी जो ब्लैक कलर में शो है विदाउट, जो हमने क्या की थी कैटलिस्ट ये थी, अब उसने उस एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली इसको और बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये और भी स्लो हो जाएगा। जबकि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो क्या कर देते हैं, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों फंक्शन है किसके, कैटलिस्ट के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हमारा है मेजर क्लासेस होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब हम इसमें डिटेल से जो पढ़ेंगे वो है होमोजीनियस कैटलिस्ट, दो टाइप्स उसमें हम जो डिटेल से पढ़ेंगे वो है होमोजीनियस। सबसे पहले एक बात है होमोजीनियस कैटलिस्ट डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज, मीन अगर लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस, तो उसे होमोजीनियस फंक्शन को थ्रू आउट जो है फिर कहेंगे दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे कि ये डिफरेंट रिएक्टेंट है, अब हमने इन सब को इसमें ऐड किया है अपने रिएक्शन मिक्सचर में, इसके बाद ये सारे के सारे अगर इन सब की फेज एक जैसी हो गई, इसका मतलब है दे आर होमोजीनियस इन नेचर, और इससे आगे डिफरेंट फिर प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जो फेज में अगर सेम है तो दे आर होमोजीनियस इन नेचर, जैसा कि एंजाइम कैटालिसिस, गैस फेज रिएक्शन, सॉलिड फेज रिएक्शन, ये मोस्टली कौन से हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट के टाइप के अंदर फॉल करते हैं। इस तरीके से एक डायग्राम से और डेफिनेशन के बाद आर होमोजीनियस कैटलिस्ट, द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज एंड द रिएक्टिंग सिस्टम इज होमोजीनियस थ्रू आउट, थ्रू आउट फिर वो होमोजीनियस रहेगा, उसको हम कहते हैं। जैसे ये देखें कि ये हमारे पास एक पिंक ब्लू, पिंक है, ग्रीन है, येलोश है, ये तीन डिफरेंट रिएक्टेंट है, इनको हमने मिक्स किया तो ये इंटरमीडिएट बन गई, अब है होमोजीनियस सिस्टम। इसके बाद इसने क्या किया, प्रोडक्ट बन गई, कैटलिस्ट हमारा क्या हो गया, जनरेट हो गया। ये कैटलिस्ट था, ये दो रिएक्टेंट थे, हमने ऐड किया तो ये बन गई होमोजीनियस फेज। अब इसके बाद प्रोडक्ट बनी, कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट ये भी है कि कैटलिस्ट आर दो स्पीशीज विच आर रीजनरेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। यही लिखा है कि इट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन एंड देन सेपरेट इट्सेल्फ। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट में कुछ जनरल एग्जांपल हैं, सॉलिड फेज एंड द गैस फेज यूजुअली इसकी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस में हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैगनीज आयन एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज ऑर्गेनोमेटैलिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड लार्ज एंजाइम मॉलिक्यूल आर जनरली टर्म इन होमोजीनियस कैटलिस्ट। ये देखें कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ये जैसे कार्बोनाइल है, ये अल्कोहल है, ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, तो ये जो फेज है दे
एक जैसी है तो इसको हम फिर होमोजीनियस कहें। अब इसके स्टेप्स हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले है, देखिए टोटल 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं कैटलिटिक साइकिल। सबसे पहला है लिगेंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसोसिएशन, उसके बाद है इंसर्शन एंड एलिमिनेशन, थर्ड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेशन लिगेंड, फोर्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड फिफ्थ है ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स मोस्टली होमोजीनियस कैटलिस्ट में। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट स्टेप, दैट इज लिगेंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसोसिएशन। बेसिस इसकी क्या है, इजी कोऑर्डिनेशन ऑफ सब्सटेंस टू द मेटल सेंटर एक्टिवेशन, फिसाइल एलिमेंट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द पाउडर फ्रॉम द मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या उसको हम कहते हैं डीज ऑप्शन। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो अनसैचुरेटेड हो, उसके साथ एक्टिव सेंटर हो। एग्जांपल एक हमने विल्किंसन कैटलिस्ट की पढ़ते हैं, नॉर्मली जो मॉलिक्यूल है स्केयर पेरिल कॉम्प्लेक्सेस में फायर करते हैं और 16 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेटल ट्रांजिशन के बने होते हैं, जैसे कि प्लैटिनम है, रुहीडियम है, ये मोस्टली सेंट्रल मेटल के तौर पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इस्तेमाल होते हैं लिगेंड के तौर पर। ये है मेटल, इसके साथ कोई भी लिगेंड है, जैसे कि विल्किंसन में है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, और ये देखें स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की शक्ल में ये ज्यादा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। अब ये क्या है, एडिशन हम करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल एक्स टू ए कॉम्प्लेक्स, किसी भी जो हमारा लिगेंड है उसके इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल एक्स को ऐड करेंगे। ए ऐड से क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ एक्स बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो दोनों फ्रेगमेंट है जो कोऑर्डिनेट करेंगे मेटल सेंटर के साथ, जैसा कि ये देखें कि ये हमारे पास लिगेंड है, मेटल सेंटर है, उसके साथ 4 लिगेंड अटैच। अब हमने ए एक्स ऐड किया तो ए एक्स ने क्या हो गया, जो ए और एक्स का दरमियान था बॉन्ड ब्रेक हुआ, ए ने भी मेटल के साथ अटैचमेंट कर ली कोऑर्डिनेशन, और एक्स ने, तो दोनों आपस में इनका बॉन्ड ब्रेक होके एडिशन हो गए किसकी, इन दोनों एटम्स की, जो हमने मॉलिक्यूल लिया था ए एक्स। और इसके अगर रिवर्स हो ऑफ द ऑक्टेटिव एडिशन, यानी कि अगर ये 6th मेंबर जो हम बना है मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल, इससे दोबारा टेट्राहेड्रल जब बनता है तो इसको फिर हम कह देंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन, मीन एक्स बॉन्ड का बनना और दोबारा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का स्केयर प्लेनर का बन जाना। थर्ड स्टेप है इंसर्शन एंड एलिमिनेशन। अब इसमें क्या है, पहले कि अल्काइल ग्रुप या आपका जो हाइड्राइड है वो क्या करता है, माइग्रेट करता है कहां से, मेटल सेंटर से अनसैचुरेटेड लिगेंड की तरफ। कैसे, ये देखिए कि ये आपका है लिगेंड और ये है आपका अल्काइल ग्रुप। अब जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया तो आपका जो अल्काइल ग्रुप था ये माइग्रेट करके कहां चला गया, कार्बोनाइल जो था आपका उसके साथ, ये होगी माइग्रेशन ऑफ अल्काइल। सिमिलरली हाइड्राइड भी है कि ये देखें आपका हाइड्रोजन है इसके साथ, अगर ये एच शिफ्ट होगा तो इसको एज एच नेगेटिव के तौर पर, तो ये हाइड्राइड कहलाएगा। कहां से देखें, ये है आपका अनसैचुरेटेड कोई भी लिगेंड, अब यहां से हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड इसके साथ शिफ्ट हुआ और ये बन गया CH2CH3। तो इंसर्शन इसको कहते हैं, या माइग्रेशन किसकी, या अल्काइल ग्रुप की या हाइड्राइड की। अब ये है एलिमिनेशन, कि वही जो आपका ग्रुप है, अब अल्काइल आपने किया था या हाइड्राइड, इसको अब एलिमिनेट करना है कहां से, सेंट्रल मेटल से। कैसे ये होगा, कि ये आपका था CH2CH3, मीन ये हाइड्राइड शिफ्ट वाला था, अब यहां से 4 मेंबर रिंग बनता है CH2CH2, और ये हाइड्रोजन इसके साथ पहले सेंट्रल एटम के साथ 4 मेंबर रिंग बनाता है। इसके बाद देखें हाइड्रोजन जो था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड वो क्या हो गया, मेटल के साथ अटैच हो गया,
और ये दोबारा कोऑर्डिनेशन लिगेंड होगी CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से आपका लिगेंड चला गया सॉल्वेंट में CH2H4 लिखी और ये सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट का जो लिगेंड था वो साथ इसके अटैच हो गया। तो ये हो गया एलिमिनेशन, वो इंसर्शन था, ये एलिमिनेशन बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है माइग्रेटरी इंसर्शन। डिफरेंट टाइप्स की हैं कि कैसे कैसे पॉसिबल है कि ये आपका अल्कीन है कोई भी और ये मेटल और ये हाइड्रोजन। अब है इंसर्शन आपने करनी है, देखें कि एक तरफ आपने क्या किया इसमें मेटल को ऐड कर दिया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन को, तो ये CH2CH2 था, ये जो बॉन्ड था उसकी तरफ एक तरफ M हो गया और एक तरफ H। ओलिफिन में आपने MH बॉन्ड को क्या किया इंसर्ट किया। अब दूसरे में क्या है M और R, अब अल्काइल ग्रुप है तो एक तरफ आपने R को ऐड कर दिया और एक तरफ M को ऐड कर दिया, किसके ओलिफिन के। सिमिलरली अब ये है कार्बोनाइल, तो अब जब देखें एक तरफ आपने M ऐड कर दिया एक तरफ R ऐड कर दिया, किसके C डबल बॉन्ड O के कार्बोनाइल, तो ये कीटोन फॉर्मेशन जैसे होती है फॉर्मुलेशन वो हो गई। इस तरीके से MH भी ऐड कर सकते हैं एक तरफ M और दूसरी तरफ H, तो ये सारे के सारे क्या हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड लिगेंड, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा लिगेंड पर अटैक करेगा। अब यहां देखें ये है H2O, इसमें ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर वाटर में से जो हुआ है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करता है अटैक करता है, किस पर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स पर, और ये क्या है ओलेफिन्स। यहां इसने सेंटर पर अटैक किया, देखें यहां आपका OH आके अटैच हो गया, यहां से H को आपने क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया और आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपॉन कोऑर्डिनेशन टू मेटल सेंटर द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट of the ligand undergo a charge, the ligand may become susceptible to electrophile or nucleophilic attack। अब इस पे electrophile और nucleophile का attack हो सकता है, तो positive charge center create हो गया। oxidation and reduction, basically जो metal हमारी होती है central metal वो यहाँ role अदा करती है, जो electron lose करती है या gain करती है, जैसे हमारे पास है कॉपर प्लस टू में ये चेंज हो जाएगी कॉपर प्लस वन में, इसका मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। कोबाल्ट थ्री से टू में मैंगनीज, इस तरीके से प्लैटिनम, ये सारी के सारी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती है। कैसे हो सकता है जैसे ये देखें कि ए है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ क्या किया शिफ्ट हुआ ए में, इसने मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से ये बी एटम था एक, अब इसने देखें कि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बी नेट, तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपको पता है अल्टरनेट प्रोसीजर है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो दूसरी जगह क्या है आपकी रिडक्शन हो जाती है। ये एक मैकेनिज्म लिखा है कि आपके पास अल्केन है उसमें आपने ये कैटलिस्ट ऐड किया है, यहां इसकी देखें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस थ्री। अब इसने क्या किया आर रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन जो था वो चेंज हुआ तो ये प्लस टू में आ गया, मतलब प्लस थ्री से प्लस टू में, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हो गया। वो ये बॉन्ड हमने आरएच का ब्रेक किया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन हमने किया था वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया प्लस टू में आ गया। अब ये फ्री रेडिकल आर ओ था, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर पार ऑक्सी रेडिकल बन गया अल्काइल रेडिकल, फिर इसने दोबारा अल्केन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोक्सी अल्केन बन गया, जैसे H2O2 पढ़ते हैं ये अल्काइल पार ऑक्सी बन गया आर डबल ओ एच प्लस आर फ्री रेडिकल। अब ये जो है पारोक्साइड ये दोबारा कोबाल्ट टू के साथ रिएक्ट करता है और इसको दोबारा चेंज कर देता है थ्री, तो ये पूरा का पूरा रिवर्स प्रोसीजर हो जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन लिखा हुआ कैटलिटिक रिडक्शन का कि आपके पास अल्कीन है उसमें हाइड्रोजिनेशन की प्लैटिनम की मौजूदगी में तो अल्कीन फॉर्मेशन हो गई, इस तरीके से रिडक्शन है ये भी, तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है कि मेटल की चेंज आ जाती है। अब ये साइकिल एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के उसी को शो किया हुआ कि ये आपके पास है
सबसे पहले लिगंड था, एल है लिगंड, एम है सेंट्रल मेटल एटम, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो उसने उसके साथ इंसर्शन हो गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने ओलिफिन को ऐड किया तो उसने उसके साथ कोऑर्डिनेशन बांड कर दिया। नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ ओलिफिन इनटू एमएच बॉन्ड, ये आपस में देखें कि आर वन आया, इसके बाद फिर आपने किया रिडक्टिव एलिमिनेशन तो आर वन एच एन कैल्केन फॉर्मेशन होकर दोबारा कैटलिस्ट बन गया। तो ये है कैटलिटिक साइकिल के कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। एक एग्जांपल है होमोजेनियस कैटलिस्ट की, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रो फॉर्मुलेशन। मीन हम जो अल्कीन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐड करके एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले जो हाइड्रो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस था 1938 में ओटो रॉलिन ने डिस्कवर किया था। ये साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, ओलिफिन्स लिया, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट और हीलियम मेटल जो था वो ऐड किया साथ में, तो उससे क्या हो गया आपके पास एल्डिहाइड लीनियर या ब्रांच प्रोडक्ट बन, यानी कि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों से मिक्सचर बना। ये है हाइड्रोफॉर्मुलेशन प्रोसेस कि कैसे हाइड्रोफॉर्मुलेशन का पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे पास है सबसे पहला स्टेप के कैटलिस्ट था, इसमें से हमने लिगंड को यहां से रिमूव किया तो ये आप देखें कि हमारे पास क्या बन गया, सबसे पहले फोर मेंबर स्ट्रक्चर बन। उसके बाद हमने ओलिफिन को ऐड किया, उसने इंसर्शन हो गई और कोऑर्डिनेशन बांड देता ओलिफिन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनाइल फिर हमने ऐड किया तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर यहां से जो तो बांध था ये पूरा को पूरा इसके साथ है बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट हो गई इसके साथ ये इधर हाइड्रोजन आ गया और CO यहां लिगंड पे आ गया। उसके बाद फिर हमने CO बाहर से ऐड किया, ये तो वही था ये कोबाल्ट हमने किया, तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 मेंबर रिंग्स बना और ये कार्बोनाइल इसके साथ इंसर्शन हो गई। नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन हमने ऐड किया, उसने क्या किया यहां से देखें ये CO के साथ एक एच इधर आ गया और एक एच आपका कैटलिस्ट के साथ हो गया, तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो गई और फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गई, इसी को कहते हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन। वेकर प्रोसेस, अब वेकर प्रोसेस इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि ओलिफिन्स जर्मन साइंटिस्ट था जिसने ये सबसे पहले प्रोसीजर इंडस्ट्रियल स्केल पे डेवलप किया था, उसने वेकर कैटलिस्ट क्या किया था यूज किया था। वेकर कैटलिस्ट क्या है कि आप प्लाटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं और कॉपर क्या यूज करते हैं एज ए को कैटलिस्ट, तो उससे आपके पास ओलिफिन से आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते। ये वेकर प्रोसेस का पूरा मैकेनिज्म है कैटलिटिक साइकिल। ये आपका था मेटल, इसके साथ आपने ओलिफिन ऐड की, इंसर्शन हो गई, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो OH यहाँ ऐड हो गया, उसके बाद क्या हुआ एलिमिनेशन हो गई जो रीरेंज होकर यानी कि आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और प्लाटिनम जीरो फॉर्म में चेंज हो गया, लास्ट टू था यहाँ और यहाँ हो गया जीरो में। लेकिन CuCl2 जब हमने ऐड किया तो इसने को कैटलिस्ट के तौर पर ऐड किया, यहाँ ये प्लस टू में था, यहाँ प्लस वन में चेंज होकर जो कैटलिस्ट था उसको दोबारा प्लस टू में एक्टिव बना दिया, अब दोबारा ये साइकिल मुकम्मल होता है। ये था वेकर प्रोसेस, इसकी पूरी की पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है कि व्हाट इज वेकर ऑक्सीडेशन। अदर जो होमोजीनियस कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट है वो है मोनसेंटो प्रोसेस। ये क्या है, कार्बोनाइलेशन ऑफ मैथनॉल टू एस्टिक एसिड। मेथनॉल हमारे पास यानी कि अल्कोहल है, उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐड करें तो एसिड बन जाता है। इस प्रोसीजर का इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मोनसेंटो प्रोसेस। फिर हाइड्रोसाइनेशन है, ये भी होमोजीनियस के एग्जांपल में आता है कि हम ब्यूटाडाइन से एडिपोनाइट्राइल जो के प्रीकर्सर है बाद में हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नायलॉन सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए उसका, तो ये भी होमोजीनियस की एग्जांपल है हाइड्रोसायनेशन।
नेक्स्ट है ओलिगोमराइजेशन, कि आप ओलिफिन्स लिया, उसके एन मालिक्यूल को कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐड किया तो ओलिगोमराइजेशन, मीन आपने 8-10 यूनिट तक क्या किया इथिलीन की पॉलीमराइजेशन। फिर ओलिफिन मेटाथीसिस है, ओलिफिन मेटाथीसिस क्या होता है कि आप अल्केन की चेन को बढ़ा भी सकते हैं कम। एक में देखें, यहां आपने लिया है परोपीन, परोपीन की जब आपने मेटाथीसिस करवाया तो एक तरफ आपके पास कार्बन चेन बढ़ गई है, दूसरी तरफ कार्बन चेन कम हो गई। अगर कार्बन चेन एक पे बढ़ जाए दूसरे पे कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं ओलिफिन मेटाथीसिस। यहां देखें, ये एक बन गया अल्कीन और एक बन गया ब्यूटीन, चार कार्बन और दो, कहां से लिए, तीन कार्बन से। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोकायरल अल्कीन, साइक्लोट्राइमराइजेशन ऑफ एस्टालीन। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसकी, होमोजेनियस कैटलिस्ट। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन थोड़ा सा कि होमोजेनियस कैटलिस्ट और हाइड्रोजनियस में थोड़ा सा क्या फर्क या एडवांटेजेस होते हैं। होमोजेनियस मोस्टली लिक्विड फेज, गैस और सॉलिड में है, जबकि हाइड्रोजीनियस में लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों फेज में ज्यादा यूज हो सकता है। होमोजीनियस लो टेम्परेचर पे होते हैं जबकि हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे सेफर है। होमोजीनियस कैटलिस्ट में डेफिनेटली फेज एक जैसी हो जाती है तो डिफ्यूजिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, जबकि हाइड्रोजीनियस में जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो प्रॉब्लम रहती है क्योंकि नेचर दोनों की डिफरेंट होती है। इजी हीट ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि सारे एक ही फेज में होते हैं, जबकि इसमें हीट ट्रांसफर क्या है, इशू है हाइड्रोजीनियस। नेक्स्ट है डिफिकल्ट कैटलिस्ट सेपरेशन, क्योंकि होमोजीनियस में एक जैसी फेज बन जाती है तो कैटलिस्ट को सेपरेशन करना फिर एक प्रॉब्लम है, जबकि हाइड्रोजीनियस में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेजेस में होते हैं, इसे सेपरेशन करना आसान, लिहाजा फिर उसकी जो रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी वो एक्सपेंसिव होगी, कास्ट ज्यादा होगी, जबकि हेट्रोजीनियस में वो साइकलिंग आसान होगी। इसमें जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं होमोजीनियस में, जबकि हेट्रोजीनियस का मैकेनिज्म प्योरली अंडरस्टैंड है, रिएक्शन का कंप्लीटली हम मैकेनिज्म अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये कैसे मैकेनिज्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।